नगर के एनसीपी कार्यकर्ता और एसएसएनई महिला ब्रिगेड की अध्यक्ष रेखा जरे की हत्या मामले में मुख्य सूत्रधार पत्रकार बाल बोथे को पुलिस ने आखिरकार गिरफ्तार कर लिया। 3 महीने से फरार चल रहे बाल को शुक्रवार देर शाम हैदराबाद से गिरफ्तार किया गया था और पुलिस की टीम शनिवार तड़के उसे लेकर अहमदनगर पहुंची है। अहमदनगर के पुलिस अधीक्षक मनोज पाटिल ने शनिवार को बताया कि बोथे की मदद करने के आरोप में एक अन्य शख्स को भी गिरफ्तार किया गया है। बाल को पुलिस ने हैदराबाद के एक होटल से पकड़ा है। गिरफ्तार आरोपियों ने उसे छिपाने और फोन दिलाने की में मदद की थी। पाटिल ने बताया कि बाल को पकड़ने के लिए 6 टीमें काम कर रही थी। कई शहरों के पुलिस से इस मामले में मदद ली गई, जिसमें मुंबई और हैदराबाद पुलिस भी शामिल है। इलेक्ट्रॉनिक सर्विस लांस के माध्यम से आरोपी तक पहुंची पुलिस। मनोज पाटिल ने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक सर्विस लांस के माध्यम से बाल के हैदराबाद में होने की जानकारी मिली और 6 टीमों ने 3 दिन के प्रयास के बाद उसे अरेस्ट किया। इस मामले में कुछ और लोगों को भी अरेस्ट किया जा सकता है जिसमें एक महिला भी शामिल है। हत्या के कारणों पर पुलिस अधीक्षक मनोज पाटिल ने सिर्फ इतना बताया कि आरोपी को डर था कि रेखा उसके खिलाफ केस दर्ज करवा सकती है। इस मामले में जांच जारी है और पुलिस 1-2 दिन में हत्या के कारणों को स्पष्ट रूप से सामने ला सकती है। रेखा की माँ सिंधुबाई वायकर की कंप्लेंट पर इस मामले में अहमदनगर के सुपा पुलिस स्टेशन में अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 हत्या और 34 सामान्य इरादा के तहत मामला दर्ज किया गया था। नोव्हेंबर 2020 रोजी रेखा जरे यांचं जे हत्याकांड झालं होतं, त्या हत्याकांडातील प्रमुख आरोपी बाळासाहेब जगन्नाथ बोठे पाटील यांना आज सकाळी हैदराबाद या ठिकाणाहून बालाजीनगर या परिसरातील एका हॉटेलमधून ताब्यात घेण्यात आले असून त्यांची अटकेची प्रोसिजर पुढे चालू आहे। गेल्या अनेक महिन्याच्या कालावधीमध्ये बिलाल नगर हैदराबाद या ठिकाणी या आरोपीचं वास्तव्य असल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली। माझे सहकारी ॲडिशनल SP सौरव अग्रवाल, DYSP अजित पाटील, PI कटके, LCBची सर्व टीम, पारनेर पोलीस स्टेशनची टीम, नगर ग्रामीणचे सर्व टीम, तसेच हैदराबादमध्ये गेलेल्या 6 विविध पोलिसांच्या पथकांनी आरोपीस जेरबंद करण्यास आणि अटक करण्यामध्ये यश मिळाले आहे। यापूर्वी किती जणांना अटक केलेली आहे? सगळे आरोपी आता अटकेत, किती जण आहेत? यापूर्वी 5 आरोपींना अटक करण्यात आलं होतं, काल 3 आरोपींना अटक करण्यात आली, काल रात्री 1 आरोपी आणि आता 1 आरोपी बाळ बोठे आणि 1 आरोपी आता सध्या अटकेची प्रोसिजर चालू आहे। अशा 11 आरोपी यामध्ये निष्पन्न झाले असून या सर्वांपैकी 10 आरोपींना अटक करण्यात येऊन 11व्या आरोपीला सुद्धा अटक करण्याची प्रोसिजर चालू आहे। सर, हत्येमागचं काय कारण होतं, काही समजलं? हत्येमागे माझ्याविरुद्ध तक्रार होऊ नये असं प्रथम कारण दिसते, परंतु अद्याप तपास चालू असल्यामुळे मी याच्याबद्दल भाष्य करू शकणार नाही।